कोलकाता केस से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर, पीड़ित परिवार को प्रशासन पर भरोसा नहीं, पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार है। एबीपी न्यूज से पीड़ित परिवार ने कहा, सीबीआई जांच के नतीजे नहीं आए हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, ये तमाम बातें कही गई हैं। कोलकाता की पीड़िता के माता पिता हमारे साथ हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पहुंच रहा है इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट का दायरा बढ़ रहा है, तो वहीं साथ ही साथ वो क्या सोच रहे हैं, इस समय क्या सोच रहे हैं, इंसाफ के करीब आ रहे हैं अभी? हम सोच नहीं रहा है, हम आशा कर रहा है कुछ ना कुछ जस्टिस मिलना चाहिए हम लोगों का, और क्या करेगा जो सीबी, हम लोग तो मांग किया था अच्छे वाला एजेंसी इसका तदंत करे, लेकिन वो तो अभी जो 10-11 दिन उसको चार्ज में लिया है, कोई तो रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, सामने नहीं आया कोई रिजल्ट, कोई गिरफ्तार हो के क्या ये अपराध चिन्हित किया है, कोई तो रिजल्ट सामने नहीं आया। क्या बेटी कोई किताब लिखती थी, डायरी लिखती थी, क्या लिखती थी? उस पेज में एक लिखा हुआ है, वो एक ही बात हम बोलेंगे और कोई विचार के लिए थोड़ा दिक्कत है बोलने का, बोला बोल लिखा था हमको गोल्ड, ये मेमडी में गोल्ड मेडल चाहिए, वो लिखा था उस दिन में। और बाबा माँ के भालो रखते हैं, बेटा बोलो माँ बाप को अच्छे रखेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। इसके अलावा कुछ उस पेज में क्या लिखा हुआ है, वो जब हम हमारा वाइफ को दिखा रहा था, लड़की का माँ को दिखा रहा था, उस टाइम में मेरा मेजो माजले भैया उसका तस्वीर खींच लिया था, वो पेश कहा गया कि सीबीआई के पास पूछे कि नहीं हम लोग मालूम। डायरी जो लिखती थी वो डायरी अभी आपके पास है कि हमारा? तो कॉलेज में ही था वो, तो स्विजरलिस्ट में है, सीबीआई के पास गया है कि नहीं है तो उसका बात है। सीबीआई ने आपसे बातचीत की है, कोई पूछताछ की है, क्या क्या पूछा है कभी, या कोई चीज़ आपको लगती है जो ये भी नहीं बताएगा? संदीप घोष से बार बार पूछताछ हो रही है, माना जा रहा है करप्शन से लेकर बहुत सारी बातें उनकी सामने आ रही हैं, कभी बिटिया ने कुछ बताया था आपको? नहीं नहीं नहीं, वही बताया किसी बारे में? हाँ नहीं नहीं, उसको सब बारे में वो ध्यान नहीं लगाता था, उसका पेशेंट के पास ही ध्यान था, पेशेंट के साथ क्या होता था सारे दिन में, ये आते घर में कभी कभी बोलते थे। क्या क्या बोलते थे? वो जो पेशेंट आज यही पेशेंट आया, या इसका एक लंच है, एक लंच से एक आदमी जिंदा है, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ा, ये सब बोलता था। जब सरकारी अस्पताल में काम करती हैं तो कभी ये भी बताया कि वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं या ऐसी समस्याएं हैं कि? ये तो बोलते ही थे, लेकिन उसमें तो व्यस्त था, वो तो 4 साल कलानी में था, इधर भी 2 साल हो गया, उसमें कोई दिक्कत उसका नहीं था। सरकारी अस्पताल की सवाल उठ रहे थे कि सुरक्षा के बारे में कभी उसने घर पे कुछ बताया कि हमको नहीं, सुरक्षित? नहीं नहीं, वो सब बताओ बाप बापी को, माँ को कोई किसी बात पर टेंशन हो वो सब बात हमको नहीं कभी बताते। जो काम करते थे, काम करने में आसपास में कभी किसी से झगड़ा हुआ हो या कोई बहस हुई हो? नहीं नहीं नहीं, ये सब वो जो किसी के साथ झगड़ा क्यों करेगा, वो जो बोलते थे ठीक है तुमको काम करना नहीं, हम उसको काम कर देंगे, वही काम कर देते थे। बेटी 36 घंटे काम करती थी लगातार, कभी लगता था कि इतना काम करेगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी डॉक्टर की ही? ना पेशेंट नहीं थे पर तो इसका इसमें कोई दिक्कत नहीं था उसका, ये वो इधर से आके भी रात 3-4 बजे तक पढ़ते थे, और इधर उधर से आके कभी कभी पेशेंट भी देखते थे। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये सरकार तो একটা হচ্ছে কিছু একটা না হলে কেন বাইরে আসবে না যে আসল দোষী এত দিন হয়ে গেল इतना दिन से बाहर नहीं आ रहा है, पकड़ नहीं गया, कोई ना कोई तो गलत साजिश है ही उसका। बेटी के शरीर को जब आपने आखिरी बार देखा था तो माँ के दिल पर क्या बीती थी उस समय देखकर? ये हां একটা মা হয়ে এটা বল মা পিতা মাতা হয়ে ये बोलना बहुत दिक्कत के बाद सरकार ने जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में? थोड़ा जल्दीबाजी तो की थी सरकार ने, पूरा प्रशासन ने भी बहुत जल्दीबाजी की थी, किस लिए किया था वो उसका मालूम है, लेकिन डेड मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसका जल्दीबाजी नहीं था, 4:30 गया उस टाइम में उस पोस्टमार्टम के लिए ले गया। और स्टूडेंट लोग इसलिए बोल रहा था जो सूरज रहने से अंदर ही उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन वो लोग तो बाद में किया है, क्या बात है तो जो जानता है। सरकार में अगर अस्पताल में सुविधाएं ज़्यादा होती, सीसीटीवी होता तो आज इतनी समस्या नहीं होती, लगता है इस बात को? ये तो अभी जो
कड़ा मैंने कड़ा कड़ी चल रहा है, ये चलने से तो नहीं घटना घटते। जो घटाया है वो तो उसका साहस नहीं होता ना। अभी तो उस टाइम में ढीला ढाला था, इसलिए उसका और किसी ने उसको साथ जो गलत काम किया है इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके लिए डिपार्टमेंट जानता है। हमको तो मालूम है डिपार्टमेंट जानता है कौन है इसका? और तो जानता है, वो जरूर जानता है। डिपार्टमेंट का अंदर हुआ है नहीं जानेगा? हमारा जो हमारा पास कोई काम करेगा उसका जिम्मेदार हमारा नहीं है? लेकिन वो लोग अभी तक 15 दिन हो गया हमसे कोई बात नहीं किया, एक खबर दे दिया बस उसका पूरा काम खत्म हो गया। चलो ममता बनर्जी सड़क पर उतरी हैं, इंसाफ मांग रही हैं। इनसे उन्होंने इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर उतरता है फिर कोई इसका इंसाफ चाहे उनका अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तो 144 धारा जारी किया है और स्टूडेंट को बार बार प्रेशर कर रहा है। 14 अगस्त को जो घटना हुई उसके बाद आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है, डॉक्टर्स वापस काम करने के लिए खुद को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस। उनका दिल में, सबका दिल में, आपका भी काम करने के लिए काम करने का अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो आप उसके सामने ही घटना घटी है, उसका काम करना अच्छा किसे लगेगा? आपने वो सब तो आपने अपना दीदी और अपने बहन का अपने बच्चे का स्थान पर मेरा लड़की को बिठा दिया, इसलिए तो वो लोग काम पर नहीं जा रहा है। उनने बोलते हैं हम लोग का ऐसे सुरक्षा काम लोग ऐसे साइन नहीं होता है उसका। जनता में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, उसको देख के आप क्या अनुभूति करते हैं? गुस्सा है नहीं, गुस्सा तो जो है इसलिए तो हमको ये हिम्मत है, वो हिम्मत हमारा हिम्मत बढ़ा रहा है। हम लोग तो इसलिए बोल रहा है जो सब हमारा पास रहे, जितना दिन हमको जस्टिस नहीं मिले हम वो इस और लोगों से हम यही मिनती है। और एक मिनती है आपका माध्यम से, जो लोग इस हमारा लड़की को लेके लड़की गुजर गया है उसको लेके बिजनेस करना चाहते हैं फिर सोशल मीडिया में, इसको भी आपका चैनल के द्वारा हम बोलते हैं उसको भी बंद करने का कोशिश कीजिए। सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा है आपको इंसाफ मिलने का? टास्क फोर्स भी बनी है, विचार विभाग के ऊपर से तो भरोसा रखना ही पड़ता है जो भी हो, और सीबीआई के ऊपर भरोसा है बोल के तो अभी तक हम आशा में है। पीड़िता की माँ क्या बोलेंगी ममता बनर्जी के यदि किसी बोलते हैं कि बोलते चान बांग्लाय बोलबी? আমার মেয়েকের মেয়ের নামে যে ফেক নিউজ হচ্ছে, ফেক ভিডিও হচ্ছে, এগুলো চাইবো যেন প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়। এগুলো আমি নিতে পারছি না, যত তাড়াতাড়ি বিচার পাই এই ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটা করুন। এবং মানে পুরো বিশ্ববাসী আমার পাশে যে আছেন, যত এত লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে মনে করি আমি তাদের, কোটি কোটি ছেলে মেয়ে, তারা যেভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে, আমি যতদিন বিচার না পাই তারা যেন আমার পাশে থাকে। বহু সারে লোগো নে আপকো ফোন কিয়া হোগা, ক্যা বোল রহে হ্যায় লোগ ফোন করকে আপসে? আশ্বস্ত কর রহা হ্যায়, সবই আশ্বস্ত দে রহা হ্যায়, ক্যা করেগা উসকো, উসকা জবাব জ্যাদা তো উসকা হাত মে ভি নেহি হ্যায় না। কলকাতা পুলিশ সে ইয়া কিসি অর সে ফোন আয়া আভি তক? কলকাতা পুলিশ সে কি আভি তক আর কোই ফোন নেহি হ্যায়? ইন্তজার হ্যায় ইনসাফ, তো ইন্তজার করনা হি পড়েগা। ইন্তজার হ্যায় এক ইনসাফ কা কি ও জলদি হি মিলেগা, চাহে কোর্ট কে আদালত সে মিলে या फिर जनता की अदालत में मिले। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोई, उत्तर 24 परगना, एबीपी न्यूज़। तो माँ माटी और मानुष का नारा दिया था ममता बनर्जी ने जब सत्ता में आई थी, और देखिए उनके शासन में, उनके राज में क्या हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।